जी आप ऐसे रुकेंगे, ऐसे ही रुकेंगे ठीक। अगर यदि आपके ऊपर आ रहा है ऐसे रुकेंगे तो इधर से निकल जाएगा, फिर ऐसे रुकेंगे तो ऐसे निकल जाएगा ठीक। आप घुमा रहे हैं ठीक, आपके ऊपर कोई आ तो ऐसे रुकेंगे, आप ऐसे रुकेंगे, लेकिन आप ऐसे यदि किसी घुमा मत राउंड बना करके आगे सामने वाले घुमाते हैं तो सबके ऊपर लगने से उसको कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टार स्टिक टैलेंट। एक नहीं 1000 वीडियो बनाएंगे और आप सीखते रहें, हम सिखाते रहेंगे। एक वीडियो था मेरा जो उस पर काफ़ी लोगों को म्यूजिक ज़्यादा हो जाने का प्रॉब्लम था, तो मैं उसी वीडियो को आज फिर से रिकवर कर रहा हूं आप लोग इस स्टिक के माध्यम से। इस लाठी को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोगों को दिमाग में ये रहता है कि हम कहीं पर फंस जाते हैं और अकेले हों, कहीं पे जा रहे हो या कहीं पे भी 10 आदमी अटैक कर दे आपके ऊपर, या कहीं से आपके ऊपर जो है मजबूरी आ जाए आपके पास में, या कहीं पर भी आपके पास ऐसा समय आ जाए तो आप अकेले 10 आदमी को कैसे हरा सकते हैं। इस चीज़ को आपके बीच में बताने वाला हूँ इस लाठी के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में बने रहें और जो भी हमारे दर्शक नए नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्योंकि मैं हर एक दूसरे दिन एक नए नए तलवार घास का इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूं। और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए तो फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप कहीं पर भी अकेले हो अगर उस तरह का समय आ जाता है तो आप कैसे 10 आदमी के बीच बच के निकलना और उड़ाना या उन लोगों के ऊपर अटैक करना। या ये नहीं है कि ये लाठी सीखने के बाद आप कहीं पर भी चालू हो जाए किसी को भी मार दें, ये नहीं, इसलिए नहीं सिखाया जाता। ये सिर्फ आप अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई मजबूरी आ जाए या कहीं पर भी ऐसा घटना घट रहा हो तो ही आपको ट्रिक को इस्तेमाल करना, नहीं तो इसको नहीं करना, तो नहीं करना। तो चलिए दोस्तों हम आपको ये बता दें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सर्वप्रथम एक चीज आना चाहिए जो कि ये लाठी, ये वाला ट्रिक आना चाहिए ठीक। और कहीं पर भी हम लाठी इस्तेमाल यदि करते हैं तो ध्यान रहे ये वाला सीधा नीचे होना चाहिए और ये वाला सीधा होना ऊपर रखना चाहिए। दूसरी बात, ये आप अपने से छोटा रखेंगे, ये बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, लेकिन अपने ये जो आई जो है आँख है इसके साइज में होना चाहिए। आप अपने से किसी भी मतलब कोई भी आदमी हो 5 फीट 6 फीट उसके यहाँ आना चाहिए, इसके साइज में होना चाहिए उतना ही बड़ा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पास अगर टेक्निक हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा हो आप चला सकते हैं, कहीं पर भी मिल जाए, कहीं आपकी नज़रों में ऐसा आ जाए तो आप कर सकते। चलिए दोस्तों हम आपको सर्वप्रथम आपको ये होना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आपके बॉडी के चारों बगल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में चारों ओर से आदमी रहे तो आपको उन लोगों के ऊपर अटैक करना है। ये भी बता रहा हूँ कैसे, ये जो मूवमेंट है ये आपको बचाने के लिए ठीक। और आपके ऊपर यदि अगर कोई अटैक कर रहा है तो आपको रोकना है इस तरह, ये नहीं कि ऐसे रोकना है, ऐसे कभी भी नहीं रोकना है, क्योंकि ऐसे रोकेंगे तो यहाँ से आएगा और सर के ऊपर आ जाएगा। आप ऐसे रोकेंगे तो इस पे आएगा तो आपके सर के ऊपर आ जाएगा, ऐसे कभी नहीं करना है, रोकना है तो ऐसे आप ऐसे रोक सकते हैं, ऐसे रोक सकते हैं। और अटैक जिसके ऊपर आप अटैक करना चाहते हैं आपको ये दिमाग में होना चाहिए। यदि आप सामने देख रहे हैं तो सामने देखते हुए आपको सामने दिमाग नहीं रखना है, नज़र सामने है लेकिन आपका चारों तरफ
अंदर से दिखाई देना चाहिए कि चारों तरफ। आप यहाँ देख रहे हैं तो आपका ध्यान यहाँ भी होना चाहिए, आपका ध्यान यहाँ भी होना चाहिए, आपका ध्यान पीछे भी होना चाहिए, आपके ध्यान सामने भी होना चाहिए। ये सबसे पहले तो आपको उसी चीज को ध्यान में रखना है कि मेरे पास सबसे पहले किधर से आ रहा है, आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है या इधर से आ रहा है। आप कभी भी सामने वाला यदि आपके ऊपर आता है तो आपको बैक आना है, बैक आना है, बैक आने के बाद आपको रोकना है ऐसे। लेकिन जैसे वो लूज पड़ता है, जैसे वो बैक करता है थोड़ा सा, तो आपको प्रहार करना है। वो करना है क्या है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे 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 करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे रोकने के लिए आप कभी भी ध्यान देते हैं ऐसे। ऐसे आपको कभी भी इस मुसीबत में सबसे पहले किसको बचाना है, अपने आप को बचाना है। और अपने आप को बचाने में अपने शरीर में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा बचाना है, वो है अपना सर। और इस सर को बचाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि कभी भी आप ऐसे रोकेंगे, ऐसे रोकेंगे, ठीक। अगर यदि आपके ऊपर आ रहा है ऐसे रोकेंगे तो इधर से निकल जाएगा, फिर ऐसे रोकेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक। आप घुमा रहे हैं, आपके ऊपर कोई आए तो ऐसे रोकेंगे, आप ऐसे रोकेंगे। लेकिन यदि किसी के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं ध्यान रहे उसके भी सर के ऊपर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर यदि आप ऐसे घुमाकर राउंड बनाकर आगे सामने वाले को मारते हैं तो सर के ऊपर लगने से उसको कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज होना चाहिए कि आपको सुरक्षित बचना है तो सामने वाला को देख कर मारे इधर इधर कहीं पर। लेकिन अटैक करते हैं हाई स्पीड में घुमाते हुए, ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए, लेकिन ऐसे घुमा कर यदि अगर मार दिए, ऐसे घुमा कर मार दिए तो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि यह वजन में 5 किलो या 6 किलो का होगा, लेकिन ये जब राउंड बनेगा तो ये 10 किलो से ज़्यादा का वजन हो जाएगा। और 10 किलो का वजन किसी के ऊपर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि बहुत ही खतरनाक। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में सर आप काफ़ी कुछ सीखेंगे और समझेंगे। ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। जो भाई लाठी से बचना चाहते हैं, लाठी अटैक करना चाहते हैं, उन लोगों को आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।